हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज मैं 9 फरवरी को 50 मार्क्स इंग्लिश आर्ट्स स्ट्रीम का बताने जा रहा हूं। जो लोग आर्ट्स के होंगे वो आज 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर इंग्लिश का एग्जाम दिए होंगे। तो इंग्लिश में जो 25 एमसीक्यू आते हैं उसका मैं सॉल्यूशन आज मैं इसमें दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि मैं, हाँ एक बात और भी, मैं आपका सेट मतलब क्या क्वेश्चन का जो सेट आता है वो सेट ए बताने जा रहा हूं। ठीक है, सभी को सेट होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे यहां तक सेट होंगे, तो उसमें मैं सेट ए बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आई रिसीव दैट अर्जेंट टेलीफोन कॉल। तो यहां पे जो है आपका अर्जेंट टेलीफोन है, अर्जेंट तो यहां पे लगाएंगे एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ब्रूटस इज डैश ऑनेस्ट मैन, ब्रूटस इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो यहां पे हो जाएगा आपका एन ऑनेस्ट मैन। ओके, तो चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ही हैज रिटन ए लेटर, इसको करना है पैसिव वॉइस में चूज करना है। सिंपल सी बात है, जहां पे आपका हैज है इसका मतलब ये कि हैज बीन होंगे, तो देख लेते हैंज बीन। तो यहां पे जो है सुटेबल वॉइस जो है आपका, यहाँ पे हैड दिया गया है जो कि गलत लिखा गया है, यहाँ पे ऑप्शन में भी गलत लिखा गया है, तो लेकिन फिर भी आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए आप करेंगे ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, लेकिन यहाँ पे हैड लिखा गया है, ठीक है ना, उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो इसका एक्टिव में चेंज करना है, मतलब ये कि डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर का हो जाएंगे द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वन कैन नॉट लीव डैश फूड, तो वन कैन नॉट लीव विदाउट फूड, कोई भी आदमी बिना फूड का, बिना भोजन का नहीं रह सकता, इसमें आपको प्रीपोजिशन से भरना था। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, तो चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। आपका जो करेक्ट स्पेलिंग एक्टिविटी का वो हो गया ए, ACTIBITY। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको बता रहा हूं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है छोटा करना। क्या होता है छोटा करना? तो रिड्यूस कर देंगे। इसमें जो टिक लगा हुआ उसको आप नहीं देखेंगे, मैं जो टिक लगा रहा हूं वो आप देखेंगे। ये मैंने एक स्टूडेंट से क्वेश्चन लिया है, तो वो उन्होंने लगाया जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी के पक्ष में खड़ा होना, सपोर्ट करना। क्या होगा? सपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आई मिस द ट्रेन, आई वॉज लेट, इसको कंबाइन करना, सिंथेसिस में मैंने पढ़ाया था, तो आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिख नहीं रहा है तो इसको मैं आपको दिखा दूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ये है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो है करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड जो है डिजॉल्व, यहां पे हो जाएंगे आपका ये बी, क्वेश्चन नंबर बी 10 का हो जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 11 में वाटर बॉइल्स डैश 100 डिग्री सेल्सियस, टू एट, कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उसमें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो पानी जो है 100 डिग्री पे खोलता है, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये फिक्स बता रहा, फिक्स प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, तो आई डैश रिटर्न बिफोर इंसू कम्स, तो आई शैल रिटर्न बिफोर इंसू कम्स। ओके, तो 12 का बी हो जाएंगे सेल। 13 नंबर, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, तो मैनर लिखा गया है और मैनर का स्पेलिंग होता है MANNER, आपने गुड मैनर भी पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा। नेक्स्ट में व्हाइल यू वेर रीडिंग आई वॉज स्लीपिंग, तो इसमें भी वाज भर देते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अंटिल आई डैश यू विल वेट फॉर मी, यहाँ पे जो है अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना लौटू तुम मुझ मेरा इंतजार करना, ठीक है ना। उसके बाद हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आप 16 पे चलते हैं। मैं सेट ए बता रहा हूं, ए ये जो है आपका लिया गया है टेक्स्ट से, आपका बुक से लिया गया है। मैन हैज इन्वेंटेड मशीन्स टू सेव डैश, आदमी ने मशीन का आविष्कार किया था टाइम और एनर्जी को बचाने के लिए, ठीक है, ये सारे बुक्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, सैम एंड बिल्स आर द चीफ कैरेक्टर्स इन द चैप्टर, मैंने आपको बताया था
कि ऑन लेटर राइटिंग में दो भाई होते हैं, सैम और बेल्स, दोनों सिपाही होते हैं। तो ये जो लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है? ऑन लेटर राइटिंग, चैप्टर नंबर 4, 50 नंबर का इंग्लिश का जो आपका बुक है उसमें से लेसन नंबर 4 में ये ऑन लेटर राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। तो डैश आर नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रीथ इज टू, मतलब ये सिविलाइजेशन के लिए जो है क्या चीज जरूरी होता है, जिस तरीके से हमें सांस लेने के लिए जरूरत होती है हवा, उसी प्रकार से सिविलाइजेशन के लिए क्या जरूरत होती है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ऑर्डर एंड सेफ्टी। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19, द लाइन फोर ऑफ ट्वेन ऑन माई खाओ चाहे लाए, ये जो लाइन लिया गया है इसमें कभी कहते हैं कि क्योंकि अक्सर जब मैं कभी अपने सोफे पे लेटा हुआ रहता हूं, बैठा हुआ रहता हूं, ये जो लाइन, सॉरी, ये जो लाइन जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? तो द डेफोडिल से लिया गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में जो ऑन लेटर राइटिंग, ऑन लेटर राइटिंग इज रिटन बाय एजी गार्डिनर, किसके द्वारा लिखा गया है? एजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में चल देते हैं। तो वाल्टर डिलामेयर हैज रिटन द पोएम, तो वाल्टर डिलामेयर ने आपके 50 नंबर में लिखा है इको वाली पोएम और 100 नंबर में लिखा गया है उनके द्वारा एन एपिटाफ। तो यहां पर जो 50 नंबर का इंग्लिश है इसलिए इको लिखेंगे, यहाँ पे इको, 21 का इको, बी नंबर। 22 नंबर देखते हैं, हाउ डज डेविड्स कैरेक्टर डेवलप थ्रू द नॉवेल, डेविड जो है किस प्रकार से वो ग्रो करता है? ही मैच्योर्स ग्रेटली, ही लॉसेस हिज माइंड, ही बिकम्स क्रुएल, ही बिकम्स लाइक हिज फादर। तो इसमें सबसे ज्यादा सटीक जो है, ही मैच्योर्स ग्रेटली, वह जो है धीरे धीरे जो है एक महान व्यक्ति बन जाते हैं। नंबर 23, मिस बेट्सी डिसअपॉइंटेड एट द बर्थ ऑफ डेविड्स बिकाउच, एक्चुअली डेविड की जो ग्रेट आंट थी मिस बेट्सी, वो डेविड के जन्म पे काफी उदास हो गई थी क्योंकि उनको एक लड़की चाहिए था ताकि वो उस लड़की का नाम अपने नाम पर रख सके। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा सी वांट्स ए ग्रेट चाइल्ड, ओके, सी, सॉरी, सी वांट्स अ गर्ल चाइल्ड। नंबर 24 में चलते हैं। तो डेविड लुक्ड हिमसेल्फ इन रूम फॉर 5 डेज बिकॉज, एक्चुअली इसमें लिखा गया है कि डेविड को रूम में बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को हाथ में दांत काट लिया था, ठीक है ना, इसकी वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। एट द एंड ऑफ नॉवेल टू होम इज डेविड मैरिड, तो नॉवेल के अंत में डेविड ने किसके साथ शादी किया? तो मिस एग्नेस के साथ। पहली उनकी जो बीवी थी वो डोरा थी, जो पहली बार उन्होंने शादी किया था, और अंत में उन्होंने शादी किया था एग्नस से। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेरे चैनल अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब कर देंगे और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और 13 तारीख को आप साइंस वालों का एग्जाम होने वाला है तो मैं उस दिन भी वीडियो अपलोड करूंगा। एक्चुअली मेरे पास जो है आर्ट्स के स्टूडेंट बहुत कम है, फिर भी मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है सभी को देखने के लिए, तो देख लेंगे। ओके, थैंक यू।